राहुल जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि 30,000 करोड़ रुपए जो है अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाया है, प्रधानमंत्री ने नोटिंग उनकी है रक्षा मंत्रालय से जो नोटिंग लिखा के, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं इतना ही कहूंगा कि परिकर साहब जो फाइल अपने बेडरूम में छिपाए बैठे हैं वो देश को दिखाएं। राहुल जी ने आज पहली दफा नहीं कहा, राहुल जी ने लोकसभा के पटल पे खड़े होके ये कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी मुझसे आंख मिला के बात करने की, मेरी बात सुनने की, उनमें क्योंकि दिल के अंदर उनके अंदर खोट है। और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की दाल में कुछ काला नहीं है, ये तो सारी दाल ही काली है। तो ये मसला मैं समझता हूँ कि कल भी उन्होंने ये कहा, आज भी राहुल जी कह रहे हैं, बार बार तब तक कहते रहेंगे हम जब तक कि एक JPC लोकसभा की नहीं बनती पार्लियामेंट की, जो कि सारे मामले की निष्पक्ष जांच करे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्लियर कट कह चुका है कि ना तो उसके पास में सारे सबूत जांचने का उनके अधिकार क्षेत्र बात है, एक अपील कोर्ट ये बात सुन सकती है, ना ही उनके पास टेक्निकल नोहा, ना ही वो कोई कीमत के मसले में देख सकते हैं। ये सारी बातें आज शक के दायरे में, देश की सुरक्षा का मसला है, देश की सुरक्षा को मोदी साहब ने बच्चों का खेल बना के रख दिया। उस अनिल अंबानी ने जिसने सारी जिंदगी कागज का जहाज नहीं बनाया, आज वो लड़ाकू जहाज बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये मसला देश की सुरक्षा का है, हमारे देश के उन वीर जवानों की, उनके जीवन का मसला है, हमारे देश की सुरक्षा का मसला है, जिसको कि मोदी साहब ने चंद रुपयों के अपने साहूकार साथियों की मदद के लिए लुटा दिया। पार्लियामेंट में मोदी जी ने बोला कि उल्टा चोर चौकीदार को डांट, देखिए आज कांग्रेस नहीं उनको डांट कोस रही, आज जनता में से आवाज निकल रही है। आप नाम ही, आप चौकीदार बोलिए लोग कहेंगे चोर है, चौकीदार का नाम बदनाम कर दिया बीजेपी ने मोदी साहब ने। मैं ये कहूंगा, रॉबर्ट वाड्रा का भी कह रहे थे जो लंदन की, देखिए मैं फिर आपको कहना चाहता हूं कि आज ये मसला, जब से प्रियंका जी ने सक्रिय राजनीति में उतरी है, आज देश के अंदर राजनीतिक एक सुनामी आ रही है। उस सुनामी को मोदी साहब ईडी के कंधों पर रोकना चाहते हैं, वो रुकेगी नहीं। इस सुनामी में आरएसएस की सोच बह जाएगी, बीजेपी की सरकार बह जाएगी और जो सच है वो सामने आएगा। धन्यवाद, बहुत बढ़िया। रुकिए आप जवान है ना। अरे यार संजीव, उसमें अगर कोई खा रहा था वो पाप है और उस पाप की सजा उसको यहाँ भी मिलेगी, ऊपर भी मिलेगी। देखिए मजीठिया साहब को तो अपने हिसाब के चेक देने पड़ेंगे, मजीठिया साहब को बहुत सी बातों का जवाब देना पड़ेगा। अकेले केजरीवाल साहब से बात निपटेगी नहीं, पंजाब की जनता को हिसाब देना पड़ेगा, अपने कियों का जो चेक है वो जनता में दिखाना पड़ेगा।